लास्ट टाइम अभी अपन समांतर श्रेणी के प्रश्न कर रहे थे। अपन समांतर श्रेणी के प्रश्न बुक्स से शुरू किए। अपन जो बुक्स में प्रश्न है वो तो प्रश्न चल रहे हैं अपने। उसी क्रम में अगला प्रश्न देखो। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। क्या दिया हुआ है? तीसरा पद 16। समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। तीसरा पद क्या दिया हुआ है? 16। उसके बाद लिखा हुआ है सातवां पद पांचवे पद से 12 अधिक है। अधिक और कम जो आता है वह अंतर के लिए आता है। अधिक कम आता है वो किसके लिए आता है? वो अंतर के लिए आता है। तो मतलब सातवें पद में सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इसका मतलब हो गया कि सातवें पद में और पांचवें पद में 12 का अंतर है। जब सातवें पद का मान और पांचवें पद का मान जब घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा? तो अंतर 12 का आएगा। अधिक और कम क्या होते हैं? दोनों की तुलना की जाती है और उसमें अंतर होता है। अधिक और कम क्या होगा? अंतर होगा। तो समांतर श्रेणी का तीसरा पद दिया हुआ है। एक तो तीसरा पद दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है? सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। दोनों में अंतर दिया हुआ है। तो यहां प्रश्न में अगर ध्यान से देखें तो पहला पद नहीं है, दूसरा पद नहीं है। पहला पद नहीं होगा, दूसरा पद नहीं होगा तो सार्वांतर भी नहीं आएगा। सार्वांतर डी। और ज्ञात क्या करना है? समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। इस बार समांतर श्रेणी में वो बनानी है। समांतर श्रेणी में वो बनानी है। हाल शुरू करते हैं इसका। सबसे पहले दिया हुआ है तीसरा पद 16। तीसरा पद बराबर क्या दिया हुआ है? 16। कौन सा पद दिया हुआ है? तीसरा पद। कौन सा पद दिया हुआ है? तीसरा पद। तीसरा पद है ये हो गया A3। A3 बराबर कितना हो गया? 16 हो गया। A3 बराबर कितना हो गया? 16 हो गया। तीसरा पद है A3 हो गया। A3 बराबर कितना हो गया? 16। अब A3 कैसे आएगा? बताया मैंने आपको, पहले ही बताया था, फिर बता दो एक बार। कोई भी पद याद करना, जैसे A3 की बात करते हैं, कैसे लाओगे इसको? पहले A1 लिखोगे प्लस, अब यहाँ 3 में से घटा दो, कितना आया? 2। अब मान लो सातवां पद याद करना है, कैसे करोगे? पहले A1 लिखोगे प्लस लिखोगे, अब 7 में से घटा दो, कितना आएगा? 6। यहाँ 6 जुड़ जाएगा। अब मान लो पांचवा पद याद करना है A5, पहले क्या लिखोगे? A1 लिखोगे, 3 प्लस लगाओगे, अब 5 में से घटा दो, कितना आएगा? 4। यहाँ कितना आएगा? 4। इसी तरह कोई पद आ जाए तो आपको ऐसे ही करना है। तो A3 कैसे करना है? A1 प्लस 2D के द्वारा। तो A3 कैसे करना है? A1 प्लस 2D बराबर कितना हो गया? 16। A3 कैसे आया? A1 प्लस 2D। तो A1 प्लस 2D बराबर क्या हो गया? 16। A1 प्लस 2D बराबर क्या हो गया? 16। ये क्या बन गई? समीकरण नंबर 1। क्या बन गई? समीकरण नंबर 1। A1 प्लस 2D बराबर 16 समीकरण 1 बन गई। ये एक तीसरे पद से किया बने। अब बात करते हैं सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, इसकी बात करते हैं। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत में बताया मैंने आपको, अधिक और कम अगर आता है तो वो किसके लिए आता है? अधिक और कम आता है वो अंतर के लिए आता है।
अधिक और कम किसके लिए आता है? अधिक और कम क्या आता है? अंतर के लिए आता है। इसमें अंतर लेना है आपको सातवें पद में और पांचवें पद में। सातवां पद माइनस पांचवां पद बराबर कितना है? 12। अधिक कम है इसके सूचक है, अंतर का सूचक है। अंतर में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो सातवां पद माइनस पांचवां पद करोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। सातवां पद माइनस क्या करोगे? पांचवां पद क्या आएगा? 12। तो सातवां पद है तो क्या करोगे? A7 माइनस पांचवां पद है क्या करोगे? A5। कितना अंतर है? 12 का अंतर है। सातवां पद है क्या करोगे? A7। पांचवां पद है क्या करोगे? A5। कितना अंतर है? 12। कितना अंतर है? 12। अब याद करते हैं A7 की। A7 कैसे आएगा? अपने हल के लिए पहले A1 प्लस 6D के द्वारा आएगा। यहाँ A7 की क्या कर दोगे? A1 प्लस 6D माइनस A5। कैसे लाया अपने A5? A1 प्लस 4D के द्वारा आया। क्या आया? A1 प्लस 4D बराबर कितना अंतर है? बराबर 12 का अंतर। कितना अंतर है? 12 का अंतर हो गया इतना। अब क्या करना है? यहाँ इस ब्रैकेट को खोलना है। तो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो उसके बाहर जो चिन्ह है उसका ध्यान रखेंगे। ब्रैकेट जो खोलना है और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का चिन्ह है तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का चिन्ह हो, ब्रैकेट खोलने पर क्या होता है? अंदर की संख्या का चिन्ह बदल जाता है। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का चिन्ह हो और ब्रैकेट खोलने पर क्या होता है? अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह हो, ब्रैकेट खोलने पर क्या होगा? अंदर की संख्या का चिन्ह बदल जाएगा। और अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह है, ब्रैकेट खोलने पर अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा। इसमें क्या है? ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा? अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अब यहाँ क्या आएगा? A1 प्लस 6D माइनस। अब ये प्लस A1 है, क्या बन गया? माइनस A1। और प्लस 4D क्या बन गया? माइनस का 4D। क्यों हुआ ये चेंजिंग? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या था? ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह था। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का चिन्ह हो, ब्रैकेट खोलने पर क्या होता है? अंदर का चिन्ह बदल जाता है। हो गया इतना। अब क्या होगा? देखो यहाँ A1 सेम कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि यहाँ प्लस का है, ये प्लस का और ये किसका है? माइनस का। कट गया आपस में, ये प्लस का और ये किसका है? माइनस। कट गया आपस में। अब क्या बच गया यहाँ पे? 6D प्लस का 6D माइनस का 4D कितना है बराबर में? 12। प्लस का 6D माइनस का 4D कितना है बराबर में? 12। अब 6 में कितना घटाओगे? 4। 6 माइनस कितना करना है? 4। कितना बचेगा? 2। तो 2D बराबर कितना है? 12। 2D बराबर कितना है? 12। 2D बराबर 12। याद क्या करना है? D का मान याद क्या करना है? D का मान। D कैसे आएगा? अब D बराबर 12/2। क्या करना है? D का मान 12/2। तो 12 में 2 का भाग लगा दो, कितना घट गया? 6 बार। D कितना आ गया? 6 आ गया। D का मान 6 नीचे आ गया। अब क्या रह गया? A रह गया। क्या रह गया? A। तो D बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, डी बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, डी बराबर 6 का रखना है, डी बराबर 6 समीकरण नंबर 1 में रखना है। समीकरण 1 क्या बनी हुई है? समीकरण 1 बनी हुई है A1 प्लस 2D बराबर 16। समीकरण 1 क्या बनी हुई है? A1 प्लस 2D बराबर 16। अब क्या करना है? इसमें D का मान क्या रखना है? D का मान 6 रखना है। यहाँ से D हट जाएगा, और D का मान क्या आएगा? D का मान 6 आएगा। D हट जाएगा, D का मान क्या आएगा? 6 आएगा। तो A1 प्लस 2×6 बराबर कितना हो गया? 16। अब गुणा करनी है पहले 6 को 2 से, 6 दूनी 12। A1 प्लस 12 बराबर क्या हो गया? 16। A1 प्लस 12 बराबर क्या हो गया? 16। अब पक्षांतर कर दो इसको, प्लस 12 इधर लाओ, क्या बन जाएगा? माइनस का 12। प्लस 12 इधर लाओ, क्या बन जाएगा? माइनस का 12। क्या करेंगे इसका पक्षांतर?
A1 बराबर क्या हो गया, 16 माइनस 12, 16 12 घटाओ कितना बचेगा 4, कितना बच गया 4। यहां पर ये आ गया पहला पद, A1 आ गया पहला पद और D आ गया यहां पे 7, दो चीज आ गई। प्रथम पद A कितना आ गया 4 और सार अंतर डी कितना आया 6। अब ज्ञात क्या करना है, अपने को समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, समांतर श्रेणी बनानी है, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद, चार पद चाहिए अपने को। पहला पद निकाल लिया अपने, कितना आया 4 आया, आ गया। अब दूसरा पद करते हैं A2, A2 कैसे आएगा, A1 प्लस 2 में से घटाओ एक, वापस एक ही बचेगा, वापस यहाँ कर दो यहाँ पे B। A2 कैसे आया, A1 प्लस D, A1 प्लस D, तो A2 बराबर A1 कितना आया 4 प्लस D कितना आया 6, जोड़ दो कितना हो गया 10, A2 कितना आ गया 10। पहला पद आ गया, दूसरा पद आ गया, तीसरा प्रश्न में दिया हुआ ही है, क्या रह गया चौथा पद रह गया खाली, A4 ज्ञात कर लो। A4 कैसा आएगा, A1 प्लस, अब 4 में से घटाओ एक कितना आएगा 3, A1 प्लस 3 भी कितना आया A1 प्लस 3 भी, तो A1 कितना है 4, 3 इंटू डी, डी कितना आया 6, गुणा कर लो पहले 6 को 3 से, 6 थी 18, A4 बराबर 4 प्लस 18, 18 में जोड़ो 4 कितना आया 18 और 4 22, A4 बराबर कितना आ गया 22 आ गया, तो उसके 4 पद आ गए। तो समांतर श्रेणी क्या बन गई, समांतर श्रेणी क्या बन गई, देखो इसकी पहला पद क्या आया 4, दूसरा पद क्या आया 10, तीसरा पद क्या दिया हुआ है 16, चौथा पद क्या आया 22, ये इसकी क्या बन गई समांतर श्रेणी। ठीक है, आगे समझ में।